नमस्कार दोस्तों, आपका हनुमान भी उद्योग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम किसी तरह बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल हनुमान भी उद्योग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा ये वीडियो आज गौमूत्र के चमत्कारिक फायदों के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार गाय को माता के समान माना गया है और इसका गौमूत्र रामबाण साबित हुआ है। गौमूत्र एक दिव्य औषधि है जिसे मधुमेह, रक्तचाप, धमनियों में रुकावट, अस्थमा, सोराइसिस और अन्य बीमारियों में लिया जा सकता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जो हम गौमूत्र ले रहे हों वो शुद्ध देसी गाय अथवा बछिए का हो। गौमूत्र लेने का सही तरीका है कि उसे रोज सुबह खाली पेट लिया जाए। अगर किसी को उसके बदबू से प्रॉब्लम है तो वो साथ में गुनगुना पानी करके गौमूत्र मिला के वो सुबह खाली पेट लिया जा सकता है। सुबह गौमूत्र खाली पेट लेने से वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक साबित होता है। आइए दोस्तों, हम एक डेमो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह गौमूत्र शरीर के लिए, जो हमारे अंदरूनी शरीर के लिए, वो फायदेमंद है। आइए हम डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक खाली ग्लास लेंगे और थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर, बेटा डिंग सोल्यूशन और प्योर देसी गौमूत्र जो आज सुबह ही कलेक्ट किया गया है। हम थोड़ा सा इस खाली ग्लास में पानी भरेंगे, सीवन इतना, और थोड़ा सा बेटा डिंग सोल्यूशन डालेंगे। अच्छे से खोल लेंगे बिल्कुल। अब इसे खोलने के बाद थोड़ा सा हम इसमें गौमूत्र डालेंगे। अब से हल्का सा चेक करके कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर में देखिएगा ये बिल्कुल इसका बेटाडीन सॉल्यूशन पूरी तरह से गायब हो जाएगा, सिर्फ इसमें गौमूत्र ही बचा रहेगा। देखिए पूरी तरह से गौमूत्र ही है और जितना बेटाडीन सॉल्यूशन में जितना हम गौमूत्र डालते जाएंगे वो बेटाडीन की शक्ति उसमें ही कम होती जाएगी और पूरी तरह से बाद में गौमूत्र ही बचा रहेगा। देखिए पूरी तरह से गौमूत्र ही बचा हुआ है जो कि बेटाडीन के पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब यही है कि हमारे शरीर में जितनी भी गंदगियाँ हैं गौमूत्र पीने से सारी गंदगियाँ मिट जाती हैं और गौमूत्र पूर्णतः पूरी तरह ये एक सभी बीमारियों का रामबाण है।